गाइस वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो फाइनली ये डे 2 है और अब हम जा रहे हैं काकनाकोटे सफारी। तो वहाँ जाके देखते हैं कि सफारी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। मतलब जू के तो शेर आपने देख लिए होंगे, अब जंगल के शेरों की बारी है। बाकी कुछ इस तरह का रूम है, रूम हमने खाली कर दिया, सारा सामान हमने बाइक पर लोड कर दिया। अब देख रहे हैं सामान कोई क्रॉस चेक करके कुछ है तो नहीं गया, तो ठीक है। बाकी आप आओगे तो यहाँ पर सारे स्नैक्स में फूड्स हैं। तो अभी बाइक पर कनेक्ट करते हैं और निकलते हैं। कैमरा मेरा लोड होना है, उठाते हैं और निकलते हैं और आपको मिलते हैं बाइक पर, और वहाँ पे करेंगे मोटो व्लॉग और अच्छे अच्छे शॉट्स लेंगे। तो चलो निकलते हैं। तो गाइस अभी रूम से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने काकनाकोटे की सफारी की ओर। तो गाइस फाइनली ये है काकनाकोटे का मेन गेट, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और भाई इस टाइम ये कैमरा जस्टिस कर पाए नहीं कर पाए, आई डोंट नो, पर जो लेफ़्ट साइड में जो व्यू था ना सनराइज़ का और सम था ये, और हमारे लेफ़्ट साइड में पड़ेगी काकनाकोटे सफारी, जहाँ से जाती है। सफारी को काकनाकोटे सफारी बोलते हैं और राजीव गांधी नेशनल पार्क है। तो हमारे लेफ़्ट साइड में जो है ये काकनाकोटे सफारी पॉइंट है। हमें यहाँ से अपनी टिकट ऑनलाइन बुक की थी, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये लेफ़्ट साइड में जो है ये इसका गेट है। तो अभी यहाँ पर हम बाइक खड़ी करते हैं और इसका गेट ओपन होने देते हैं, क्योंकि हम आ चुके हैं 6 बजे और ये खुलेगा 6:30 बजे। तो चलो अब आपसे ब्लॉग पे कनेक्ट करते हैं। भाई टिकट यहाँ से ले ली है हम लोगों ने और हमारी बस भी रेडी हो चुकी है। अब हम लोग जाएंगे सफारी में, पर उससे पहले भाई यहाँ अभी 15-20 मिनट है। तो अभी चाय लेने गए हैं तो भैया, और यहाँ पे देखो भाई इस सीनरी को देख के, सुबह उठ के इस सीनरी को देखना और उधर से सनराइज़ को देखना, भाई अल्टीमेट है। शायद ये कैमरा जस्टिस कर नहीं पाए, बट ये। तो चलो अब बस में बैठते हैं और अपनी सफारी एंजॉय करने के लिए निकलते हैं। कुछ इस तरह का जंगल है भाई। जंगल में कम से कम 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। अब देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। लेट्स सी। ये बक्स में डियर्स हैं। ओह कुछ अब हाँ पूरी बस का लुक देखो भाई, रिएक्शंस कुछ भी हो गया अल्टीमेट यार। और यार एक नंबर अभी आ गया। और भाई साहब गाइस टाइगर तो नहीं दिखा वेट करने के बाद भी। अब व्यू देख लो थोड़ा सा। अभी यहाँ पे शिकार होने वाला था, टाइगर शिकार करने वाला था, पर पता नहीं गायब हो गया रैंडमली। अब भाई देखते हैं यहाँ से आगे जाके। और ये रहा आपका भाई। यही है पर आपका भाई टाइगर। एंड कुछ इस तरह का सब कवरअप होता है यहाँ, देख रहे हो। जंगल भी बड़ा यूनिक है यार। इस जगह वेट कर रहे हैं भाई, कहीं तो होगा। ये रे टाइगर के पैर भाई, मेरा फुटपाथ। ये रे, ये वाले, ये टाइगर के हैं। तो यहीं आसपास है, नियर अबाउट। चलो देखते हैं, अगर दिख जाता है तो बढ़िया बात है। ये व्यू आया भाई, ये आया कुछ अच्छा सा व्यू। अब ये फील्ड आई है तो फील्ड के बाद जो व्यू आएगा वो भी अल्टीमेट आएगा गाइस। यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वो है ये है भाई व्यूज। इसे कहते हैं भाई व्यू। तो व्यू और ये है भाई अपनी सफारी बस। तो गाइस फाइनली हमने अपनी सफारी कर ली है कंप्लीट और हमें नहीं मिला है टाइगर। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ट्रिप के एंड में हम 2 सफारी और करेंगे जिससे हमें टाइगर या लेपर्ड दिखने को मिल जाए। तो अभी हमारा प्लान है ये कि हम काबिनी रिवर पे जा रहे हैं, एक गांव की साइड से, जहाँ पे क्रॉकल राइड होती है। क्रॉकल राइड एक बोटिंग होती है। तो अभी आते वक्त हमने बोर्ड बना था, ये साइड है, ये राइट साइड देख लीजिए। यहाँ से हम जा रहे हैं गाँव की साइड में, वहाँ पे विलेज है, उसके अंदर की तरफ से निकलते हैं, काबिनी रिवर है। तो उस रिवर पे होती है क्रॉकल राइड। तो चलो क्रॉकल राइड पे चलते हैं और पहुंचते हैं और आपको देते हैं अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स। और इन्जॉय करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलो।